वीरगाथा के अपने सफर में आज एक ऐसे फौजी से आपको हम मिलवाने वाले हैं जिन्होंने कारगिल वॉर के दौरान हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा किया और साथ ही साथ पाकिस्तान के उन फौजियों को दांत खट्टे करने पर उनको मजबूर किया। आइए रूबरू करवाते हैं आज की हमारे इस शख्सियत से आपको। अशोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी को आज की तारीख में अशोक कारगिल के नाम से जाना जाता है, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है और कितना फख्र वो महसूस करते हैं जब उन्हें अशोक कारगिल के नाम से जाना जाता है। अशोक जी इसके पीछे रीज़न क्या है आज आपको अशोक कारगिल के नाम से जाना जाता है? सबसे पहले तो मैं देश के शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मेरे लिए बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है कि मुझे छोटी सी उम्र में कारगिल का युद्ध लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बटालियन, वैसे मेरी जो यूनिट थी वो 2 साल से वहीं पोस्टिंग थी। मैं कारगिल लड़ाई में शुरू से लेकर आखिरी तक मैंने युद्ध लड़े हैं और बहुत से पाकिस्तान के काउंटर अटैक डिफेंस किए हैं और बहुत बार मेरे को पाकिस्तान पर अटैक करने का सौभाग्य मिला। विशेष रूप से मैं उस युद्ध का जिक्र करना चाहूँगा, वो बताना चाहूँगा जो कि 26 जुलाई को देश ऑपरेशन विजय दिवस मनाता है, 25 जुलाई को जो अंतिम हमला था 5363 शेडल रिज पर, 24 जुलाई को हमारे को आदेश मिला 30 अधिकारियों की टीम जैसे जाके हमने दुश्मन पर हमला किया, दुश्मन में भगदड़ मच गई। लेकिन 25 और हमने अपने अधिकारियों को बधाइयाँ दे दी और हमारे को मुबारकबाद मिलने लगी। लेकिन जैसे ही रात ढली और 25 जुलाई की सुबह हुई तो हम हैरान थे, हम तीन तरफ से पाकिस्तान से घिर चुके थे और हमारे तीनों तरफ ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी 250-300 सैनिक बैठे हुए थे और उनका बेस कैंप दिखाई दे रहा था। लेकिन और ज़बरदस्त फायरिंग हमारे ऊपर शुरू हो गई, हमने जैसे तैसे अपने आप को बचाए रखा। वहाँ से बेस कैंप से पाकिस्तान के कुछ कमांडो ड्रॉप हुए और धीरे धीरे हमारी तरफ एडवांस करने लगे। जैसे ही शाम के 4 बजे हमारे फायरिंग रेंज में आए, हमने उन पर अचानक फायर खोल दिया, शायद उनको भी ये उम्मीद नहीं थी। फिर वो ट्रूप में छोटे छोटे टुकड़ी बनाकर हमारी तरफ बढ़ने लगे। शाम 25 जुलाई की 6 बजे तक ये आलम हो चुका था, मेरे 6 साथी शहीद हो चुके थे, हमारा गोला बारूद ख़त्म हो चुका था, पीछे से रीएनफोर्समेंट मिल नहीं रही थी। अब लास्ट में हम 3 साथी 25 जुलाई की 7 बजे तक 3 साथी बच गए थे, मैं, विजेंदर, नसीब और एक ईश्वर, जिसमें से 2 को गोली लगी हुई थी। हमने फैसला कर लिया था कि अंतिम सांस और अंतिम खून के कतरे तक कुछ भी इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। फिर इस दौरान 2 जख्मी ज़्यादा थे, उनका अमनेशन ख़त्म हुआ था, मैंने हालात को देखते हुए उनको नीचे भेज दिया रीएनफोर्समेंट लेने के लिए। अब एक गोली पाकिस्तान की अमेरिकन पट्टी के पास लगी, मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, जो हेलमेट को चीरती हुई लगी, एक गोली यहाँ पेट के अंदर से निकल गई और कुछ ही देर बाद में एक बम मेरे नज़दीक आके गिरा, उससे मेरा पूरा हिस्सा ये थाई लॉस हो गई और पूरा पैर भ्रष्ट हो गया, मैं चलने फिरने में सक्षम नहीं रहा। फिर भी मैं पूरे होशो आवास में था, चोटी में था, पाकिस्तानी जैसे ही चढ़ रहे थे मैं रुक रुक के उन पर फायरिंग कर रहा था। अब रात के लगभग 25 जुलाई के 12 बज चुके थे, फिर मेरे मन में आया कि दुश्मन कैद करेगा, इससे अच्छा तो अपने आप को ख़त्म कर लूँ। फिर इस दौरान मेरा एक साथी था जिसकी आंखों में बारूद लगा हुआ था, उसके चिल्लाने की आवाज़ आई, वो पाकिस्तान को गालियाँ दे रहा था, सुरजीत नाम था, हिमाचल का रहने वाला था, उसने मेरा हौसला बढ़ा दिया, फिर हमारे बीच बात हुई, फिर वो गालियाँ देता रहा, मैं फायरिंग करता रहा, दुश्मन को हम भ्रमित करते रहे। रात के तकरीबन 3 बजे हमारे पास सूबेदार रघुवीर सिंह और हौलदार सीता की एक पार्टी आई, मेरा हौसला बढ़ा, लेकिन हमारे अंदर कुछ बातचीत हुई उस युद्ध के प्लान को लेकर। लेकिन तभी उस टुकड़ी पे भी ज़बरदस्त फायरिंग हुआ और सूबेदार रघुवीर और काफ़ी जवान जख्मी हो गए, वो पीछे पोजीशन ले चुके थे। अब मेरे मन में आया कि अब अमनेशन भी ख़त्म हो चुका था, दुश्मन नज़दीक है, रीएनफोर्समेंट आएगी नहीं, अब मैंने सोच लिया था जो भी कुछ करना है अपने दम पे करना है। तो तब मैंने फैसला ले लिया था, मेरा जो अमनेशन था मैंने धीरे धीरे करके पाकिस्तान पर फायर कर दिया। मेरे पास 4 ग्रेनेड बचे थे, 2 मैंने दुश्मन पर ड्रॉप कर दिए थे, फेंक दिए थे, 2 की पिन निकाल के हाथ में रख ली और ये सोच लिया जैसे ही दुश्मन आएगा खुद भी मरूंगा, इनको भी लेके मरूंगा। और ऐसे पूरी मेरी रात निकल गई, 26 जुलाई आ गई, मैं उम्मीद करने लगा कि शायद हिंदुस्तान की तरफ से कोई मदद आएगी, लेकिन हिंदुस्तान सोच रहा था पोस्ट पाकिस्तान पर, पाकिस्तान समझ रहा था हिंदुस्तान पर, दोनों देश उसी पोस्ट पर फायरिंग करने लगे। मैं पत्थरों के बीच में, बचाव था मेरा वहाँ उस टाइम पर। फिर जैसे तैसे 12 बजे मेरे 4 साथी नरेंद्र पुनिया, राजकुमार और यूसुफ और एक राजेंद्र डेड बॉडियाँ उठानी थी, जैसे ही लेने आए मैंने बताया कि मैं भी जिंदा हूँ, पानी पिलाऊँ, उन्होंने मेरे को जैसे ही थोड़ा पानी पिलाया मेरे शरीर में सेंस आया, सेंस आने से मैंने वो ग्रेनेड ड्रॉप कर दिए, उसके बाद में पाकिस्तान को शायद पोजीशन जाहिर हो गया, पाकिस्तान ने फिर बम्बारमेंट शुरू कर दिया और उस बम्बारमेंट में जो मेरा
अंधा साथी था सुरजीत, उसके सिर पे एक बम लगा, वो शहीद हो गया। और जो चार साथी मुझे लेने आए थे, दो उनमें से भी जख्मी हो गए। फिर मैंने काफ़ी उनको भेजने की कोशिश की लेकिन नहीं माने। जैसे तैसे करके उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर यहाँ नज़दीक है, आपको ट्रीटमेंट फर्स्ट एड मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ भी फायरिंग शुरू कर दी और वो हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चला गया। फिर जैसे तैसे करके मेरे को 25 जुलाई को जख्मी होने के बाद में 27 जुलाई की सुबह को पहला ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद मेरे को श्रीनगर भेज दिया गया, वहाँ मेरा काफ़ी लंबा इलाज चला। वहाँ से मेरे को चंडी मंदिर भेज दिया गया। फिर डॉक्टरों ने मेरा काफ़ी अच्छा इलाज किया लेकिन ये बोल दिया, मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। डॉक्टरों का कहना था कि तुम जीवन में कभी चल नहीं पाएगा। उसके बाद मैंने बाबा रामदेव, रविशंकर से योगा किया, कैंप किया और मैं धीरे धीरे चलने लगा। फिर मेरे मन में आई कि चलो मैं चलने लगा, मैं कोई छोटी मोटी जॉब करता हूँ। मैंने 3 जगह हरियाणा में इंटरव्यू दिया। हालांकि ऐसा नियम था पंजाब वगैरह में, जो भी मेरे जैसे सैनिक थे गवर्नमेंट ने उनको जॉब दिया, लेकिन हरियाणा के अंदर इतना करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है। 3 जगह मैंने टेस्ट क्लियर किया लेकिन इंटरव्यू मेरे को हर बार निकाल दिया गया। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी जो पुश्तैनी भूमि है मैं उसको देखता हूँ, खेतीबाड़ी करता हूँ। लेकिन वहाँ देखा तो मेरी खेतीबाड़ी पे भी कब्जे हो चुके थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी, चाचा ताऊ और मेरे दो भाई चाचा ताऊ के सब भारतीय, मतलब देश की सेवाओं में लगे होने की वजह से भूमाफियाओं ने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। फिर मैंने जो राष्ट्रपति महोदय को अप्लीकेशन लगाई कि मैं ऐसे ऐसे कारगिल का घायल सैनिक हूँ, तो मैंने वो इंसाफ के लिए अप्लीकेशन लगाई, तो मेरे ऊपर से उस दिन से मुसीबतों का पार टूट पड़ा। उन लोगों ने मेरे पर झूठे मुकदमे बनवा दिए, पुलिस ने मेरे को जलूस निकाला, झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश करी लेकिन वो साबित नहीं कर सकी तो छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि हरियाणा रोडवेज में बस पास की फ्री सुविधा होते हुए भी मेरे को बसों से उतार दिया गया। आपने आज तक ये फिल्मों में देखा होगा लेकिन मैंने रियल लाइफ में झेला है। ये एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है कि वॉर के बाद एक फौजी को जो दर्जा हासिल होना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो फिलहाल मिलता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। उस पर भी हम बातचीत करेंगे लेकिन करगिल वॉर को थोड़ा सा और करीब से समझते हैं अशोक जी के ज़ुबानी। अशोक जी, जैसा आपने इस बात का जिक्र किया कि एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी और अकेले आप उस पोस्ट पर डटे रहे, उस समय जहन में क्या चल रहा था? क्या परिवार का कभी ख्याल, अपनों का ख्याल या सिर्फ हिंदुस्तान और भारत माता का ख्याल? देखिए, उस समय मेरी उम्र 22 साल थी, युवा था, जोश था और मेरे जहन में एक ही चीज़ थी, आखिरी सांस, आखिरी खून का कतरा, मुझे इस पोस्ट को रोकना है, दुश्मन को किसी तरह से कामयाब नहीं होने देना। और मैं उसी लक्ष्य से, हाँ ये अलग है, अगजब आदमी जख्मी होता है उसको अपने बचपन से लेकर सब कुछ याद आ जाती है। उस समय मेरे दिमाग में एक ही था जो मेरे को अफसोस था, मेरे को यही अफसोस था कि मैं शायद इतना सौभाग्यशाली नहीं रहूँ, मेरी डेड बॉडी भी घर नहीं पहुँचेगी, मेरे को शायद ये कैद कर लेंगे। इस टाइम पर ये चीज़ें मेरे जरूर जहन में चल रही थी लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था कुछ भी हो, आखिरी कतरा, आखिरी सांस तक मैं जब तक जीवित रहूँगा इनको चढ़ने नहीं दूंगा। जो सोच एक थी कि 4 ग्रेनेड आपके पास हैं, 4 में से 2 आपने दुश्मनों पर फेंक दिए, 2 आपने हाथ में रखा, ये क्या सोच थी कि उनके हाथ नहीं लगना? हाँ, क्योंकि जो री एनफोर्समेंट के लिए जो पार्टी आई थी, सूबेदार दुर्गा साहब की, जो री एनफोर्समेंट आ नहीं रही थी, दुश्मन हम पे हैवी था उस टाइम पे, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। और मन में ये जोश भी था और ये भी था कि भाई मैं हूँ तो तब तक इसको रोकना ही है, पोस्ट को कैसे ही। तब मैंने तकरीबन परछाइयाँ नज़र आई थी, रात के समय मेरा काफ़ी खून निकल चुका था, बुरी तरह से जख्मी था, 2 तो मैंने दुश्मन पर ग्रेनेड फेंक दिए थे, 2 के पिन निकाल के हाथ में ले लिया था, यही सोच के कि जैसे ही दुश्मन आएगा इसको छोड़ दूंगा, खुद भी शहीद होऊंगा और उनको भी साथ में लेकर मरूंगा। ये एक फौजी की दास्तां है कि हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए हमेशा उसके जहन में जो जज्बा होता है उसी जज्बे के बदौलत हर फौजी देश के लिए मर मिटने को तैयार है। एक छोटे से ब्रेक लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो कुछ और बातें करगिल युद्ध से जुड़ी और कुछ और बातें जो उस युद्ध के दौरान, एक जंग जिसका सामना अपनों से करना पड़ रहा है अशोक करगिल जी को, उसका भी जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक आसान से सवाल का जवाब आपको दिला सकता है शीश महल के फूड वाउचर। हमारा आज का सवाल है, ओलंपिक जा रहा कौन सा खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल हुआ है? ऑप्शन ए इंद्रजीत सिंह, ऑप्शन बी नरसिंह यादव, ऑप्शन सी योगेश्वर दत्त, ऑप्शन डी सरदार सिंह। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप करें जनता स्पेस ए। आपका जवाब अगर बी है तो टाइप करें जनता स्पेस बी। आपका जवाब अगर सी है तो टाइप करें जनता स्पेस सी। आपका जवाब अगर डी है तो टाइप करें जनता स्पेस डी और हमें भेज दें 5888 पर।
रविवार 1:30 बजे सफर जायके का सिर्फ जनता टीवी पर। जनता टीवी अब उपलब्ध है वीडियोकॉन D2H के चैनल नंबर 783 पर, फास्टवे पंजाब के चैनल नंबर 207 पर, फास्टवे हरियाणा के चैनल नंबर 203 पर, टेन डिजिटल के चैनल नंबर 349 पर और सिटी डिजिटल के चैनल नंबर 326 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। वीर गाथा में आज एक ऐसे शख्सियत से हम आपने मिलवा रहे हैं जिन्होंने करगिल वॉर में न जाने अपने शरीर का कितना खून बहा दिया, इसके बावजूद भारत माता के दामन पर आंच तक नहीं आने दी। अशोक जी, एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा ब्रेक के बाद आपका। जो बातें हम कर रहे थे, प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी गए थे आप लोगों से मुलाकात करने, आप लोगों से संदेश भी पहुँचाया था उन्होंने। उनका वहाँ पहुँचना, उनका वो संदेश कितना ऊर्जा भरने वाला था। देखिए, ये कड़वी सच्चाई है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कारगिल वॉर के बाद में सैनिकों की जो सम्मान था उसमें काफ़ी इजाफा हुआ और उससे एक जोश और उत्साह आया कि देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार और ये 125 करोड़ हिंदुस्तानी हमारे पीछे खड़े हैं। तो हमारे को कोई चिंता नहीं थी हम वहाँ जब युद्ध कर रहे थे। जब युद्ध के दौरान जब बहुत ज़्यादा खून आपका बह गया था और गोलियाँ उधर से चल रही थी पाकिस्तान की तरफ से, तब जहन में क्या आता था, क्या ख्याल आता था? बस जहन में यही ख्याल था कि किसी भी तरह मेरे को इस पोस्ट को बचा के रखना है, दुश्मन को कामयाब, उसके गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने देना है। और मैं इसी सोच के साथ रुक रुक के फायरिंग करता रहा, दुश्मन को भ्रमित करता रहा और उसमें मैं मानता हूँ कि मैं कामयाब रहा। अब बीच में कभी ये ऐसा भी ख्याल आया कि अब नहीं हो पाएगा? और हाँ, बीच में जिस टाइम मेरा काफ़ी ब्लड बह चुका था और अमनेशन मेरा लगभग ख़त्म हो चुका था, तब मेरे को ये लगा कि दुश्मन अभी मुझे कैद करेगा, उससे अच्छा मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। एक बार मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की थी तो तब पत्थर गिरने लगे थे और दोबारा तब मैंने कोशिश की, 2-3 बार ऐसा हुआ। तब वो मैंने बताया था, मेरा जो साथी था जिसकी आँखों में बारूद लगा था सुरजीत, उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तो मेरा हौसला बढ़ गया और मैं दुश्मन पर और ज़्यादा उत्साह के साथ फायरिंग करने लगा। एक सवाल जो अशोक जी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब ऑपरेशन विजय ख़त्म हुआ, जीत हासिल हुई, फतह किया हमने, हमारी ही जो चोटी थी टाइगर हिल्स उसको वापस से हासिल किया हमने, उसके बाद जब आप घर लौटे, परिवार वालों का रिएक्शन कैसा था, गाँव वालों का रिएक्शन कैसा था? जैसे ही मैं सेना से उपचार करा के अपने गांव में पहुंचा, पूरा गांव, पूरा परिवार स्वागत के लिए खड़ा था, मेरा काफ़ी स्वागत किया, प्रशासन के लोग भी आए। उस समय मुझे ये लगा कि पूरा हिंदुस्तान हमारे पीछे खड़ा, मैंने अपने आप को अपाइज महसूस नहीं किया। आप एक ऐसे परिवार से आते हैं, ऐसी फैमिली से आप आते हैं जहाँ पर एक देशभक्ति की मिसाल दिया जाता है, आपके परिवार में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फौज को ज्वाइन किया, देश के लिए शहादत दी, और क्या ये देशभक्ति का जज्बा शुरुआती दौर से था? हाँ, मेरे दादाजी के भाई भी सेना में थे और मेरे पिताजी, 4 भाई थे, 3 सेना में थे, एक ने संन्यास ले लिया था। तो मेरे फादर ने भी 65-71, ताऊ ने भी 65-71 की वार लड़ी थी और मेरे फादर भी 7 साल नौकरी करके डिसेबल्ड होकर आर्मी से पेंशन 89 में पेंशन चले गए थे, 6 साल नौकरी करके। अब यहाँ से हम अपनी चर्चा को एक रुख और देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, कुछ जिक्र अशोक जी ने किया था कि जो उम्मीदें इनको सरकार से थीं उन उम्मीदों को सरकार पूरा नहीं कर पाई, इसके बिना पर कुछ और दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ा है, ज़रा उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। अशोक जी, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या क्या दिक्कतें एक जीत करके आने के बाद, जब सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद उम्मीदें बहुत होंगी आपको सरकार से भी, कहाँ कहाँ टूटे हैं सपने और जो कि सपने अपनों ने तोड़े हैं? देखिए, जैसे ही मैं कारगिल वार से लौटा और बाबा रामदेव का कैंप अटेंड किया, रविशंकर महाराज का किया, डॉक्टरों का कहना था कि तू चल नहीं फिर पाएगा, लेकिन गांव समाज का सहयोग और प्रेरणा से मुझे नई ऊर्जा मिली और मैं चलने फिरने लगा। फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हरियाणा गवर्नमेंट में, मैंने 3 जगह अप्लाई किया, 3 जगह टेस्ट क्लियर किया और 3 जगह मेरे को इंटरव्यू में निकाल दिया गया। वजह कि हरियाणा के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है, और जबकि मेरे जो साथी मेरे जैसे थे पंजाब में, राजस्थान में, मेरे साथी कोई पेट्रोल पंप है किसी के पास, सभी के पास जॉब है। तो रीज़न क्या दिया जाता था इंटरव्यू में सिलेक्शन ना होने? नहीं, वो बोलते थे ऐसा हमारे पास कोई नियम ही नहीं है।
जैसा आपने एक जिक्र और भी किया कि रोडवेज की बस से आपको उतार दिया गया, ये पूरा इंसिडेंट जरा हम चाहेंगे कि आज हमारे दर्शक जो हैं वो इस घटना को एक बार समझें आपसे। देखिए क्या था कि जैसे ही कारगिल युद्ध से मैं लौटा, लौटने के बाद मैं जॉब की पहले अपने आप को ठीक किया, फिर जॉब की ट्राई किया, जॉब की ट्राई में भी कामयाब नहीं हुआ, तो मेरी जो पुश्तैनी भूमि थी मैंने सोचा मैं कुछ खेती बाड़ी उसको संभालता हूँ। जैसे ही मैंने गुड़गांव के अंदर फरुखनगर तहसील में डुम्मा गाँव, वहाँ मेरे पुरखों की ज़मीन है, और जैसे ही मैंने उसको संभाला तो उस पर भूमाफियाओं के कब्जे हो चुके थे और लगभग 28 एकड़ के करीब भूमि थी। फिर मैंने उसके लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महोदय को लिखा कि किस कानून के तहत इन्होंने हमारी भूमि पर कब्जा किया, भूमि मुझे दिलाई जाए। वो लोग बड़ी ऊपर की पहुंच रखते थे तो वो सब उनके इशारे पर हो रहा था। तो ऐसे में ये जो घटना घटी, इसके बाद क्या सरकारें बदली भी, उसके बाद क्या हर सरकार में इसी तरह का रवैया था? नहीं, उस समय देखिए उस दौरान मैं माननीय राहुल जी गांधी से भी मिला दर्शन पद पे, मेरे को आश्वासन तो मिले। मेरे पास बीके हरिप्रसाद जी का भी पत्र आया, भूपेंद्र मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी पत्र आया, सिर्फ आश्वासन मिले लेकिन इंसाफ नहीं मिला, और उसके इंसाफ की बजाय मुझे यातनाएं ज़्यादा मिली। ये कहा जाता है वाकई कि इंसाफ का दम तब से ही घुटना शुरू हो जाता है जब आश्वासनों का दौर शुरू हो जाता है, यानी आश्वासन मिल रहा है तो उम्मीद कम है कि इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन अब मौजूदा जो सरकार है, उस मौजूदा सरकार से कुछ बातचीत हुई आपकी, उनको भी बने हुए 2 साल हो गए? नहीं, मैंने कोई सरकार से पत्र व्यवहार नहीं किया, मैं सिर्फ क्योंकि मैंने पत्र व्यवहार काफ़ी कर लिया, सरकार बदली है, मेरे को लगता है देश का सिस्टम वही है। जैसे मैं हरियाणा की बात करता हूँ, 70% जो मंत्री MP MLA हैं वो कांग्रेस के ही हैं। बहुत मायूस होते हैं, मनोबल एक टूटता है जब एक फौजी के नाते इतनी इज्जत, इतना सम्मान मिलता है, इसके बावजूद जब लौटते हैं तो फिर अपनों के हाथों से जो एक शिकार होना पड़ता है, राजनीति का शिकार होना पड़ता है, एक मनोबल टूटता है। देखिए फौजी आदमी बहुत बोल्ड होता है, लेकिन जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, क्योंकि हम बॉर्डर पे तो दुश्मन को पहचान सकते हैं, दुश्मन की हमारे को पहचाना, लेकिन यहाँ ये पता नहीं अगर हमारे जो कहाँ से तकलीफ मिलेगी, अपने कहाँ कब क्या कर दें। जो बस वाली घटना थी वो कहाँ से कहाँ आप जा रहे थे जो ये घटना घटी थी? मैं यहाँ दिल्ली के लिए आ रहा था तो मेरे को जो कनेक्टर था उसने रोक दिया, उन्होंने ऐसे पास बहुत लेके घूमते ये मानना नहीं, जबकि हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे को पास इशू किया था। फिर मैंने रोडवेज के प्रबंधक को उसकी शिकायत की, शिकायत करने के बाद में उन्होंने मेरे को लिखित आश्वासन दिया कि भविष्य में आपके साथ ऐसी घटना नहीं होगी। उसके बावजूद भी मेरे को एक बार, मेरे को तारीख तो याद नहीं है, मेरे को बस से उतार दिया, मेरे 2 साथी और थे और मेरे को बीच रास्ते उतार दिया और बारिश हो रही थी। फिर मैंने मीडिया में जाके सारी बात बताई, ये मुद्दा मीडिया में उठा था और मैंने मुख्यमंत्री महोदय को बताया था मीडिया के माध्यम से कि आप एक स्वतंत्रता सेनानी के स्वयं पुत्र हैं और जब हमारे सैनिकों के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या फ़ायदा, तो उस पर एक्शन हुआ था। और इससे पहले एक बार पुलिस मेरे घर गई क्योंकि ऊपर से दबाव था, मेरे को 7-8 वो ASI वगैरह थे, ऐसे ही मेरे को झूठे केस में घर से उठा लिया। उठाने के बाद में मेरा एक बाइक था जो छोटा भाई रेलवे में है उसको दिल्ली अप डाउन करता है, तो उस बाइक को उन्होंने बोला कि वारदात में था। मैंने स्टैंड वाले से पूछा जहाँ खड़ा था, नहीं भाई साहब ये बाइक कल यहीं था। मैंने पुलिस को बोला कि होगी आपकी तसल्ली, उसके बाद में भी उन्होंने क्या किया, रिक्शा मंगाई, बाइक को रखा, मेरे को रिक्शा में बैठाया और आगे सायरन बजा के पूरे शहर से मेरा जुलूस निकाला। फिर मैंने बोला कि आप मेरे को मुजरिम साबित कर देना, छोड़ना मत, तो फिर वो बोले हम क्या करें, ऊपर से दबाओ, तब उन्होंने फिर बाद में उनके पास कोई सबूत नहीं था, मेरे को छोड़ दिया गया। कुछ उम्मीद है आपको कि हालात बदलेंगे, स्थिति बदलेगी, चीज़ें सुधरेंगी? देखिए आज जो देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं उनसे बड़ी उम्मीदें, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो भी काफ़ी ईमानदार, उम्मीदें हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर इतना करप्शन है कि समय लगेगा बहुत ज़्यादा, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल, वक्त लगेगा चीज़ों को सुधरने में, लेकिन एक फौजी कभी हार नहीं मानता और अशोक जी भी कभी हार नहीं मानेंगे, इतना हमें उम्मीद है। तो एक फौजी की कहानी से आज हमने आपको रूबरू कराया कि किस तरीके से करगिल वॉर को जीतने के बाद, ऑपरेशन विजय में सफलता हासिल करने के बाद जब अपनों से सामना होता है तो वहाँ चोट खानी पड़ती है। हम चाहेंगे कि स्थिति बदले और जल्द से जल्द बदले। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप आए, हमसे बातचीत की और ऑपरेशन विजय की पूरी कहानी रिवील की हमने कि किस तरीके से ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया गया। इस पेशकश में और भी बहुत कुछ है, आप बने रहिए जनता TV के साथ।